हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुरप्रीत सिंह फ्रॉम वीजा को स्टडी अब्रॉड। पॉजिटिव वीजा ट्रेंड कनाडा का देखने को मिल रहा है। हमारी बी पीपीआर्स आ रही हैं जो दो दो चार चार बार रिफ्यूज हो चुके थे, बहुत ही पुअर केसेस थे। तो हमारी पीपीआर्स टाइमलाइन देखने के लिए आप इंस्टाग्राम वीजा गुरु गुरप्रीत को जरूर ज्वाइन करें विद स्टूडेंट। वहां पे मैं स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, काफी क्वेश्चनिंग आ रही है कि सर हमारा रिव्यू स्टार्ट हो चुका है, आफ्टर रिव्यू कितना टाइम लग रहा है पीपीआर्स को, जो रिजल्ट्स को, तो ये मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। देन पीपीआर टाइमलाइन, कौन सी लॉजमेंट्स के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जनवरी इनटेक का कैसा सक्सेस रेट चल रहा है, तो देन वीजा रीस्टैंपिंग, ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का वीजा एक साल का है, जैसे वन ईयर का लग रहा है, तो सितंबर 23 का इनटेक मिल रहा है और इनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, वो विदाउट अप्लाइंग अपना वीजा कैसे रीस्टैंप करवा सकते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, विजिटर और टूरिस्ट वीजा की भी बात करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वैल्यूएबल ऑथेंटिक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें टेलीग्राम्स ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आ सके, स्टूडेंट्स कहीं किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे फ्रेंड्स। तो कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी पीपीआर्स आ रही हैं वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ हम वीडियो शूट करते हैं, वहां से आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी क्योंकि बहुत ही वीक और दो दो चार चार बार जो रिफ्यूजल केसेस होते हैं उनके हम वीजास लेते हैं, आईआरसीसी लॉयर के थ्रू भी फाइल्स हम लॉज करते हैं, जिसका जो रिजल्ट आता है हमारा पॉजिटिव, काफी अच्छा ट्रेंड लास्ट वन ईयर से चल रहा है। सो देन आफ्टर रिव्यू, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर रिव्यू स्टार्ट हो गया, अब वीजा कब आएगा? सो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि आपकी फाइल लॉज हो जाती है और उसके 4-5 डेज बाद आपका रिव्यू स्टार्ट हो जाता है, हालांकि आपका मेडिकल अपडेट अभी तक नहीं हुआ होता। कई बार क्या होता है कि आपकी पीपीआर जब रिजल्ट आता है तो उस दिन सेम टाइम सेम डे ही आपका रिव्यू स्टार्ट होता है और विद इन 10 मिनट्स आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो फ्रेंड, इसको पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता कि रिव्यू के बाद इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं जो मेरे वीजा आए हैं, जैसे आज रिव्यू स्टार्ट हुआ है, विद इन 30-35 डेज हमारे वीजा मोस्टली आ जाते हैं। अगर विजिटर टूरिस्ट की बात करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्वायरी टूरिस्ट और विजिटर वीजा की भी हो रही है। देन पीपीआर टाइमलाइन, जून जुलाई और अगस्त के रिजल्ट्स चल रहे हैं, जनवरी इनटेक के सितंबर इनटेक के मुकाबले बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स जनवरी इनटेक के हैं क्योंकि एसडीएस फाइल्स ज्यादा एम्बेसी में लग रही हैं, काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अब 21 और 22 वाले हैं और अच्छी उनकी मार्क्स है और अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं। सो अगस्त तक के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सितंबर के रिजल्ट्स अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मंथ 20 जो अक्टूबर तक के सितंबर के रिजल्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। देन रीस्टैंपिंग, सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट्स को कि सर एक साल का वीजा है और तब जब हमारा इनटेक आएगा तब तक हमारा वीजा है वो खत्म होने वाला होएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको दोबारा रीलॉज फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सितंबर 23 इनटेक है और वन ईयर का कोर्स है तो आप रीस्टैंपिंग करवाएं। उसके लिए प्रोसेस क्या है कि आपको अपनी पीपीआर लेटर एक अटैच करनी है, वेब फॉर्म रेज करना है, जैसे पहले आपने कोरियर के लिए वेब फॉर्म रेज आपके या आपके एजेंट ने किया है, पीपीआर लेटर के साथ आपका सबमिशन लेटर, आपकी न्यू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और फी रिसेप्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ये चार चीजें जरूर लगाएं और इसके साथ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएं जिसमें रिक्वेस्ट करें कि हमारा वीजा रीस्टैंप कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत एजेंट्स को ये चीज नहीं पता है कि ऐसे रीस्टैंपिंग हो जाती है। सो बिल्कुल भी मिसगाइड ना होए, अपनी रीस्टैंपिंग करवा सके। हम 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हम रीस्टैंपिंग करवा चुके हैं, प्रैक्टिकल ऐसा करके देख चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसी वरी करने की जरूरत नहीं है। सो देन है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा यूके का अप्लाई करके ही कनाडा का वीजा अप्लाई करें। यूके का वीजा बहुत ही इजीली मिल रहा है अगर आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है,
तो आप पहले यूके का वीजा अप्लाई कर लें, आफ्टर दैट ही आप कनाडा का अप्लाई करें, क्योंकि यूके को लिए, यूके वीजा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप कनाडा वीजा करते हो तो ट्रैवल हिस्ट्री ही मैंडेटरी है, मतलब कंसीडर की जाती है। और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कनाडा का वीजा अप्लाई करें, लेकिन उसके पहले यूके का वीजा जरूर ले लें और एक बार ट्रैवल कर लें ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज विजिटर और टूरिस्ट वीजा का ट्रेंड भी बहुत अच्छा चल रहा है, दिसंबर तक जनवरी तक काफी नॉर्मल हो जाएगा। जो इंटरनल सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि विद इन 30-40 days जो टूरिस्ट और विजिटर वीजा लग जाएंगे, क्योंकि काफी बैकलॉग तब तक कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको और किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हमारी हेल्प चाहिए कनाडा वीजा रिगार्डिंग, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको न्यू अपडेट्स मिल जाया करेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ। और जो इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है वीजा गुरु गुरप्रीत, उसको फॉलो कर लें ताकि आप वहाँ पे भी अपडेट रह सको। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम देने के लिए फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।